गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 रुपए पैसे। और आप लोगों को मालूम ही होगा एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे, यानी 100 पैसे इज इक्वल एक रुपया। हम जब भी किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? रुपए पैसे। हमारी जो मुद्रा क्या है, हमारी भारतीय मुद्रा क्या है? रुपए और पैसे, ठीक है। तो इसमें रुपए पैसे यानी दो रुपए क्या है, बड़ा रूप है, और पैसे छोटा रूप है। तो आप देखिए, जब भी हम कोई सी चीज़ खरीद आपने तो हमारे देखिए सिक्के कौन कौन से होते हैं जो हम प्रयोग में कर रहे हैं, अपने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या क्या है? एक रुपए का सिक्का 1, 2, 5, 10, 20, इनके सिक्के हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। दूसरा, नोट हम कौन कौन से प्रयोग में कर रहे हैं? एक का नोट है 2, 5, 10, 20, 50, 100, ठीक है। 200 का भी होता है, 500 का भी है, ठीक है। फिर 2000 का भी नोट है, इनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, रुपयों को पैसे में बदलना और पैसों को रुपयों में बदलना तो कैसे बदला जाता है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। यह आपको अच्छे से याद कर दीजिएगा। रुपयों को पैसे में बदलना और पैसों को रुपयों में बदलना तो कैसे बदले जाएंगे, इसके बारे में हम करेंगे बात। तो आपकी ये एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज है ये आपकी 8, एक्सरसाइज 8.1 हम करेंगे। इसमें है पैसे में बदलिए। प्रश्न एक है, रुपयों को पैसे में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न क है 235 रुपए, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? एक रुपया इज इक्वल क्या होता है? 100 पैसे। तो इसको भी लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है। इसको हम
का मतलब है 29 रुपए 85 पैसे। क्या हुआ? 29 रुपए 85 पैसे। अब देखिए ये तो पैसे है ही, हमें पैसे में बदलना है, तो किसको बदलना है हमें? 29 रुपए को। तो 29 को जब हम पैसे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 पैसे से, 100 पैसे से गुणा करेंगे। और ये आपके पैसे में पहले से है ही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 85 पैसे। ठीक है, अब आप इसको जोड़ करिए, गुणा 29 को 100 से गुणा करें क्या आएगा? 2900 पैसे और प्लस 85 पैसे। अब आप उनको जोड़िए तो क्या आएगा? 2985 पैसे। आया समझ में? क्या करना है? सौ क्या आया? क्या करना है? इस तरह से आप इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है प्रश्न घ, घ और कर लेते हैं इससे आपको। घ प्रश्न घ है, इसमें 156 रुपए 80 पैसे। जब भी ये बिंदु लगा हो इसका मतलब समझिए, इस बिंदु की दाएं तरफ क्या है? रुपए और ये पैसे। 156 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे, 156 रुपए 80 पैसे। फिर वही हमें करना है, ये तो पैसे में है पहले से, इसको बदलना है रुपए को। 156 को गुणा करेंगे 100 पैसे से प्लस 80 पैसे, प्लस 80 पैसे। अब इसको गुणा करिए तो क्या आएगा? 156 में ये दो जीरो लग जाएंगे, प्लस 80 पैसे। अब आप इनको जोड़िए। ध्यान रखिएगा जोड़ने का तरीका, इकाई दहाई के नीचे आएगा, सीधा रखना है। तो कितने हो गए? एक पैसे। समझ में आया आपको किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करनी है? प्रश्न क से घ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है, और इसके बाद में प्रश्न ड च छ ज, ये आप लोग अब अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है टू क्वेश्चन वन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वन करेंगे जिसमें हमने प्रश्न क ख ग घ कर लिया है, और ये तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ड च छ ज ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में कल हम करेंगे रुपए पैसों में, रुपयों को पैसे में बदलना है, रुपयों को पैसे में बदलना है जो क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज आपका 8.1 है एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पैसे में बदलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप आपका होमवर्क यही है, रुपयों को पैसे में बदलना।